बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला के फजल करम और शुक्र के साथ करते हैं कि आज का ब्लॉग शुरू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, आज मैं अपना काम शुरू करने लगा हूँ। आज मैंने क्या काम कर लिया है आप लोगों के साथ भी इंशाल्लाह शेयर करूँगा। वो काम है जो इधर मैंने लगाना है, एनामल पेंट, बॉर्डर लगाना है एनामल पेंट का। इसलिए मैंने ये टेप सारी कर ली है आपके सामने। की है मैंने टेप इसलिए की है कि लाइन है जो इसकी बिल्कुल सीधी रहे, बराबर रहे। तो अभी सबसे पहले एनामल तैयार करते हैं और आप लोगों के साथ भी शेयर करते हैं कि उसमें क्या क्या चीज़ डालनी है, कैसे तैयार होता है। ये है जी मेरे पास ब्रिटन कंपनी के गैलन है, एक गैलन है जो एनामल है। कलर और कोट आपके सामने है। तो इसको तैयार करने के लिए इस भी चीज़ में आपने बनाना है ना, चाहे वो बाल्टी है या गैलन है, वो बिल्कुल खुश्क होना चाहिए। इस तरह ये मैंने बिल्कुल सफाई करके खुश्क कर ली है। गैलन ओपन करते ही बाद में इसको हल करना है। सबसे पहले बाद में ऐसा होता है कि कलर गैलन होता है जो नीचे बैठ जाता है पेंट, तो उसको हल कर लेना चाहिए। कलर है जो तेज़ हो तो ऊपर ऊपर लाइट हो जाता है नीचे। ये देखें कुछ जगह से लाइट है, कुछ जगह से डार्क है। इसको मैं हल कर लूँगा तो अच्छी तरह ये मिक्स हो जाएगा, एक जैसा बन जाएगा। अब ये इसके अंदर डालूंगा बस। आधा गैलन मैंने डाल लिया है, फिर और ज़रूरत होगा वो बना लेंगे। तो इसके अंदर मैं डालूंगा मिट्टी का तेल। आप रोल भी डाल सकते हैं, मिट्टी का तेल भी डाल सकते हैं। ऑयल पेंट को बनाने का यही तरीका है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो ये मैंने करना है ब्रश के साथ, ठीक है। इसलिए ले लेंगे माशाल्लाह, हमारा एनामल पेंट है जो तैयार हो गया। जी व्यूअर्स, अल्हम्दुलिल्लाह ये वाला हिस्सा जो अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हो गया माशाल्लाह। ये देखें इधर तक सारा एक हाथ एनामल कोट जो मैंने क्लियर कर ली है। उसे कम से कम मैं 2 घंटे खुश्क होने के लिए छोड़ दूँगा, क्योंकि छोड़ना ज़्यादा टाइम चाहिए। लेकिन अभी ज़्यादा टाइम छोड़ने के लिए मेरे पास भी टाइम नहीं है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, कम से कम 2 घंटे छोड़ देते हैं इसको खुश्क हो जाए, तो फिर इंशाल्लाह इसको डबल कोट कर देते हैं। अभी ये वाला हिस्सा है जो ये रहता है, तो अभी इसे भी सिंगल कर लेते हैं। एनामल करना शुरू करते हैं इसे अभी। आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने इसको रेगमार भी नहीं लगाया, सफाई भी नहीं की। तो सबसे पहले मैंने इसका रेगमार कर लिया, सफाई भी कर लिया, उसके बाद मैं बोर्ड लगा रहा हूँ, उसके बाद मैंने वीडियो बनाई है। ये लें जनाब, ये भी अभी क्लियर हो गया माशाल्लाह। तकरीबन और तकरीबन अभी 2-3 घंटे मैं रेस्ट भी करूँगा और खाना भी आ गया, खाना खाते हैं, फिर आपसे दोबारा मिलते हैं। जब फाइनल कोड लगाने लगूँगा तो फिर इंशाल्लाह आपके साथ दोबारा मुलाकात। वेलकम बैक व्यूअर, माशाल्लाह
रेस्ट भी कर ली है और बाटरा जो हमारा वो भी अल्हम्दुलिल्लाह खुश्क हो गया है। ये आप देखें ना, पहले तो मैं हाथ ऐसे लगाता था तो चिपकता था साथ, अभी तो बिल्कुल पता ही नहीं चल रहा कि ऐसे स्लिप हो रहा हाथ। माशाल्लाह खुश्क हो गया सही तरीके से। पहले कोर्ट में हमने ब्रश ना जो इस तरह खड़ा चलाया था, अब हम इसके मुखलक चलाएंगे इस तरह। ये देख रहे हैं आप, इसमें और इसमें काफ़ी ज़्यादा फर्क नज़र आ रहा है। ये रफ रफ नज़र आ रहा है, ये बिल्कुल फिनिशिंग में और कलर नज़र आ रहा है। यही फ़र्क होता है सिंगल कोड में और डबल में। जब फाइनल होता है कई दफ़ा तो ऐसा होता है कि तीन तीन दो दो कोड लगाते हैं, कभी तीन तीन कोड भी लगाना पड़ जाते हैं। तो भाई माशाल्लाह कल मैंने इसको पहला कोड अस्तर का लगाया था इस टाइम पर, और अब दूसरा नैमल का या तीसरा जो है इसको मैं फिर नैमल का लगा रहा हूँ। माशाल्लाह काफ़ी अच्छी फिनिशिंग आ रही है माशाल्लाह। तो इसी तरह सारा जो काम है अभी फाइनल करते हैं जी। माशाल्लाह माशाल्लाह कितना प्यारा लग रहा है यार, अल्हम्दुलिल्लाह। बॉर्डर वाला काम था जो सारा क्लियर हो गया, तो अभी बारी है इसको मैंने टेप उतारी थी लगाई थी उतार, ये उतारते हैं अभी। ये टेप भी सारी उतार दी है मैंने, और इसके बाद अभी मैंने ये वाशरूम का दरवाज़ा है ये पेंट करना है, और ये करना हुआ हुआ पहले गोल्डन ब्राउन, तो पेंट भी गोल्डन ब्राउन ही मैंने मंगवाया इसके साथ का। तो अभी इसे शुरू करते हैं गोल्डन ब्राउन, एनामल पेंट है वो करते हैं अभी इसको। जी व्यूवर्स, ये गोल्डन ब्राउन कलर वाला भी दरवाज़ा क्लियर हो गया माशाल्लाह, काफ़ी प्यारा लग रहा है। तो ये थी मेरी आज की मसरूफियात जो आप लोगों के साथ शेयर की है। तो इसी के साथ आज की वीडियो करते हैं एंड इस दुआ के साथ करते हैं कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ए-ईमान में रखे, अल्लाह ताला आप सब पर अपना खास करम और फजल फरमाए, अल्लाह ताला आप सबको दोनों जहाँ की खुशियाँ नसीब फरमाए। इसी के साथ मोहम्मद जुनैद को दीजिए अपनी बहुत सारी दुआओं के साथ इजाज़त। मिलते हैं आपसे एक नई और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।